एंड वेलकम टू माय चैनल राकेश व्लॉग्स। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं आज आप लोगों को एलपी सिलेबस फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 के बारे में बताने वाला इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एलपी सिलेबस फॉर सेकेंड स्टेज में जो आप लोगों की सिलेक्शन होगी वो 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी में होगी। सपोज वैकेंसी 1000 है तो आप लोगों का सिलेक्शन 15,000 होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्ट एक या जानते हैं, देखिए ड्यूरेशन जो होगा वो 90 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 रहेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाना ही होगा। यू आर के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। और द मार्क्स स्कोर इन पार्ट ए एलोन शैल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। मतलब आप लोगों का जो पार्ट ए में एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे आप लोगों का मेरिट बनेगा। तो आप लोग इस पार्टे को एग्जाम तो बहुत अच्छा से दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में, फुल पार्टे के बारे में। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम है सी बी टी स्टेज 1 के अकॉर्डिंग रहेगा। मतलब आपका जो सी बी टी 1 में जो सिलेबस था मैथ का उसी के अकॉर्डिंग, मतलब सारा वही सिलेबस फॉलो होगा इस पार्टे में के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग उस सिलेबस को फॉलो करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने मैथमेटिक्स का सिलेबस बता दिया और ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ सिलेबस का है, ये एस पर 2018 वैकेंसी के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। तो आप लोग उस बेसिस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस सेम रहेगा जो स्टेज 71 में जो सिलेबस था। तो आप लोग सिलेबस स्टेज 71 का सिलेबस देखने के लिए मैं यहाँ आई बटन पे क्लिक करिएगा, जो कि मैं यहाँ लिंक दिया हूँ, उससे आप स्टेज 71 का सिलेबस देख पाएंगे। आइए जानते हैं अब जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर का सिलेबस। तो ये भी आपका 71 के अकॉर्डिंग है, मतलब वही सिलेबस फॉलो होगा जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका एक नया सब्जेक्ट इंक्लूडेड किया गया है जिसका नाम है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो आप लोग आइए जानते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा ही होगा और आईटीआई वाले भी पढ़े होंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों को प्रोजेक्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर व्यूज पढ़ना पड़ेगा, फिर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना पड़ेगा, एंड देन लाइंस पढ़ना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ज्योमेट्रिक फिगर्स पढ़ना पड़ेगा, एंड देन लास्ट सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस बता दिया। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बेसिक साइंस के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को यूनिट्स पढ़ना होगा, एंड देन मेजरमेंट, एंड आफ्टर दैट मास वेट एंड डेंसिटी, एंड देन वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल एडुकेशन, एंड लास्ट आईटी लिटरेसी। ये आपका सारा सिलेबस बेसिक साइंस का है और इंजीनियरिंग का मैंने बता दिया, तो ये सारा कुछ आपका इंक्लूडेड है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स और लाइक। तो मैं आप लोगों को देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक दिखा रहा हूँ, मैंने जो फॉलो किया था और ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, या बुक से मैंने हेल्प लिया था। तो देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है इस बुक में। तो आप ये बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जब एग्ज़ाम होने वाले रहेगी तब ये बुक, मतलब इस राइटर इस पब्लिकेशन के बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग देखिए यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है अच्छा से, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन और सारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया हुआ है। देखिए सारा कुछ यहाँ अच्छा से दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पार्ट बी सिलेबस के बारे में और मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ पार्ट बी होगा क्या, कैसे एग्जाम होगा। तो आपका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें होंगे 75 और क्वालिफाइंग मार्क आपका 35% आपको लाना ही पड़ेगा। 75 का 35% आपको लाना पड़ेगा एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज परमिसेबल। मतलब आपका जो भी कम्युनिटी है, यू आर, ओबीसी, एसटी, एससी, सारे लोगों के लिए ये 35% आपको एलिजिबिलिटी के लिए आपको इतना 35% लाना ही पड़ेगा।
द रिलीवेंट ट्रेड्स फॉर वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्लैश HSC 10+2 फॉर अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग टेस्ट इज एज बिलो। मतलब आप लोगों को कौन सा पार्ट बी के लिए ट्रेड सेलेक्ट करना होगा और उसी ट्रेड से आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले आप लोग देखिए, जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो डिप्लोमा डिग्री किए हैं उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या डिग्री किए हैं उन लोग को कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट कर लेना होगा, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, आर्मेचर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इन सारे ट्रेड में कोई एक ट्रेड सेलेक्ट करके, पर्टिकुलर ट्रेड को सेलेक्ट करके उसी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। और ITI वाले भी जो इलेक्ट्रीशियन ये सब इन सारे ट्रेड से किसी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में देखिए क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो एंड TV, मतलब इससे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो ये भी मैं जो भी कुछ है बता रहा हूँ ये DGT के वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा LP का, तो इसमें आप लोग कोई भी ट्रेड एक सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप लोग उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी और आप लोग उस ट्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप लोग कोई भी ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फीटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, उसके बाद फिर आपका मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन, फिर टर्नर, फिर मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, ये सारे ट्रेड से आप लोग कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्ट्रीम से इंजीनियरिंग किए हैं उन लोगों इस कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जो भी इंजीनियरिंग किए हैं वो उस रिलेटेड ट्रेड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग, ये सारे ट्रेड को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर HSC विथ फिजिक्स एंड मैथ्स से जो भी इंटर किए हैं उन लोग को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फिजिक्स भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है पार्ट बी से रिलेटेड, तो आप लोग और आप लोग की जो एग्ज़ाम होगी टोटल स्टेसिविटी 2 90+60 मिनट की एग्ज़ाम होगी, और आपको सबसे पहले 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा पार्ट ए, उसके बाद तुरंत पार्ट बी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो 90 बी का क्वेश्चन आएगा, तो पार्ट ए आप सॉल्व करेंगे उसे तुरंत पार्ट बी का क्वेश्चन आ जाएगा और फिर आप लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारा एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया और उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका नाम साइको है, साइको टेस्ट फॉर ओनली फॉर LP कैंडिडेट्स के लिए तो वीडियो रहेगी, तो उस वीडियो को मैं जल्द लेकर आऊँगा और उसमें बहुत सारे सेक्शन है, अलग अलग किस्ट की अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेट इज़ राकेश व्लॉग्स, एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।